भाजपा का प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत। राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मालवीय नगर, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सांगानेर में, तो प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर विद्याधर नगर में। वही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर तारानगर, उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आमेर में जिम्मेदारी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आदर्श नगर में, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तिजारा में, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बायतू में, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी सांगानेर में। पूरी लिस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं सांसद नियालचंद पीलीबंगा में, राहुल कसवा सादुलपुर में, सांसद रंजीता कोहली भरतपुर, पीपी चौधरी भीलवाड़ा में, करकमल कटारा सागवाड़ा में, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह मालवीय नगर में, मुकेश दादीच विद्याधर नगर में, चुनीलाल गरासिया उदयपुर शहर में, श्रवण सिंह बगड़ी विद्याधर नगर में और प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला चूरू में। प्रियंका बालन अनूपगढ़, डॉक्टर महेंद्र कुमावत शेरगढ़, हीरालाल नागर सांगोद, सांवलाराम दिवासी बांसवाड़ा। ये पूरी लिस्ट जो है वो सामने आ गई है, कहां पर इनको दायित्व सौंपा गया है। प्रदेशाध्यक्ष महिला मोर्चा रक्षा भंडारी को मालवीय नगर का दायित्व सौंपा गया है। विस्तार से चर्चा जाएंगे। ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। ऐश्वर्य, पूरी जानकारी दीजिएगा इसके। देखिए, ये जो कार्यक्रम है, ये महाजनसंपर्क अभियान का उद्देश्य यह है कि इस अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ लोगों के साथ सतत संपर्क साधा जाए। और इसमें फोकस जो रहेगा वो रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जिक्र करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ दिया है उनका जिक्र करना। और भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, से लोगों को फायदा हो, इस चीज को लेकर वो सभी लोगों के बीच में जाएंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो अभियान है इसमें सभी की ड्यूटी लगाई गई है। महाजन संपर्क में वो लोगों की भी ड्यूटी लगाई है कि जो अलग अलग दायित्वों पर भाजपा प्रदेश संगठन में है या पार्टी ने उन्हें कोई दायित्व दे रखा है, लेकिन इनके अलावा भी अन्य नेताओं को भी जिम्मेदारी दे रखी है, तो इसका चुनाव में फायदा मिलने वाला है। इसलिए इस अभियान को हाथ में लिया गया है कि हालांकि राष्ट्रव्यापी अभियान होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो भी अभियान होता है इसमें जो फोकस है वो 8 नवंबर से 10 दिसंबर तक रखा जाएगा। पहला चरण जो है इसमें बूथ समिति की बैठकों के साथ साथ घर घर में जनसंपर्क किया जाएगा, कि बूथ समितियां बनी हुई है उनकी बैठक की जाएगी। और ये 3 दिन तक लगातार सभी लोग जुटे रहेंगे, खुद केंद्रीय मंत्री हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष हों, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हों, सबको इस अभियान में जुड़ जाने का आह्वान किया। और इसमें भीमराव अंबेडकर पर भी फोकस रखा है कि जहां पर भी जनसंपर्क होगा वहां भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रखनी पड़ेगी, पुष्पार्जन किया जाना बहुत जरूरी है। 15 से 20 वरिष्ठ नेता जो है वो जब शुभारंभ होगा तो उस दौरान साथ मौजूद रहेंगे, ये बहुत जरूरी बताया गया है संगठन की ओर से, जिनको दायित्व दिया गया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या विस्तार से जानकारी देने के लिए।